हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास 10। आज हम देखेंगे क्लास 6 का लेसन नंबर 4, सॉर्टिंग मटेरियल्स एंड ग्रुप्स। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में, जो हमारे पास जितने भी एनवायरमेंट्स में जो मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जैसे कोई लोहा है, कोई प्लास्टिक है, कोई रबड़ है ना, तो हमारे पास क्या है, कई तरह के सारे मटेरियल्स हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके रखा है ना, ये एक लकड़ी है, ये प्लास्टिक है, ये रबड़ है, तो हम क्या कर रहे हैं ऐसे ऐसे मटेरियल को ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, शॉर्टिंग का मतलब ये है कि आप उसको क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, देन हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल्स को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में कई तरह के मटेरियल्स हैं। ठीक है, उसको हम सेपरेट कर रहे हैं। तो देखो, पहला जो ये जो टॉपिक्स हैं हमारे, ये हमारे चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करेंगे। पहला है हमारा ऑब्जेक्ट अराउंड अस, मतलब क्या, हमारे जैसा भी मैंने बताया, ऑब्जेक्ट जो है हमारे चारों तरफ बहुत सारे है ना। अगर मैं स्मार्कर की भी बात करूँ तो ये भी एक प्लास्टिक का मटेरियल है ना, अंदर रुई का मटेरियल है, उसके बाद फिर एक फोम का मटेरियल है। फिर हमारे ऑब्जेक्ट के आसपास जितने भी हैं वो सारे क्या है, किसी न किसी मटेरियल से बने है ना। हमारे आसपास कई सारे मटेरियल्स हैं, जैसे मैं इस बोर्ड की बात करूँ तो ये भी एक प्लास्टिक है, ये आयरन है ना। तो मतलब कि जो हमारे आसपास जितने भी मटेरियल्स हैं वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट से बने, किसी न किसी मटेरियल से बने। तो ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट अराउंड, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट है ना। सेकंड चलता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए हमें। जैसे कि मैं बात करूँ, ये प्लास्टिक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता है ना, ये इजीली खराब नहीं हो सकता है ना। तो ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है ना। ऐसी मैं बात करूँ, अगर इसके अंदर जो इंक है ना, इसके अंदर जो इंक है वो क्या है, अगर मैं इस पर ड्रॉ करूँ तो वो इजीली रफ हो सकता है, ये क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है ना। तो जो हमारे पास मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कंटेनर है, जैसे हम किचन में खाना बनाते हैं, हमारे पास पतीला होता है, हम क्या करते हैं उस पर खाना बनाते हैं है ना, गर्म करके उस पर खाना बनाते हैं, बबल्स को साफ करके फिर से खाना बनाते हैं, क्योंकि वो एक उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है, वो हीट पे खराब नहीं होता है ना। तो वो उसकी एक प्रॉपर्टी है, उस मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है कि वो हीट पे खराब नहीं होता। अगर मैंने इसको हीट दे दिया तो ये गल जाएगा, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसको हीट दोगे तो ये गल जाएगा है। तो जितने भी मटेरियल्स हैं हमारे आसपास, सबकी एक अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो सेकेंड हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब देखो, इसको कुछ डिवाइड किया गया है सॉफ्ट में और हार्ड में। देखो, कुछ मटेरियल सॉफ्ट भी हो सकते हैं है ना, कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं। जैसे कि मैं रुई की बात करूँ तो रुई आपकी एक मटेरियल है, रुई कितना सॉफ्ट होता है ना। और उसी की जगह अगर मैं कील की बात करूँ तो कील कितना हार्ड होता है ना। तो सॉफ्ट से ये हमारा रिलेट होना चाहिए कि सॉफ्ट एक ऐसी चीज होती है जिसको हम इजीली कंप्रेस कर सके है ना, इजीली उसको दबा सके, मोड़ सके है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कह सकते हैं। सॉफ्ट को हम डिफाइन भी ऐसे करते कर सकते हैं कि विच मटेरियल्स कैन बी कंप्रेस्ड है ना और स्ट्रेच इज कॉल्ड सॉफ्ट है ना, जिसको हम दबा सके, मोड़ सके, वो क्या होती है, सॉफ्ट मटेरियल। दूसरी बात करें हम हार्ड की, तो हार्ड क्या होगा, ऐसे मटेरियल जिसको हम कंप्रेस ना कर सके। जैसे मैंने कील की बात की, कील को हम मोड़ नहीं सकते है ना, उसको दबा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वो क्या है, हार्ड है। यानी विच एलिमेंट्स, विच सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इज कॉल्ड हार्ड। ठीक है, यानी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको हम कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड। ठीक है, जैसे कि अगर मैं उसकी बात करूँ, कोई भी एक मटेरियल ले लेते हैं सॉफ्ट के लिए हार्ड के लिए, जैसे हमारा कॉटन हो गया, कॉटन क्या होता है, सॉफ्ट होता है ना, इजीली हाथ से ऐसे। और अगर हम बात करें तुम्हारे इसके आयरन की, तो आयरन क्या होता है, लोहा जिसे हम कहते हैं, तो ये क्या होता है, हार्ड मटेरियल होता है ना। इसको इजीली आप कंप्रेस नहीं कर सकते है ना, इसको फिर कंप्रेस करने के लिए कोई अदर प्रोसेस होता है ना, हीटिंग प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन कॉटन को हम इजीली हाथ से स्क्वीज कर सकते हैं, लेकिन आयरन को नहीं कर सकते है ना। चलो आगे चलते हैं, सॉफ्ट हो गया, हार्ड हो गया, इसके बाद चलते हैं सॉल्युबल इनसॉल्युबल।
देखो सॉल्युबल इनसॉल्युबल क्या होता है कि हम इसे ऐसे समझते हैं, सबसे पहले हम यूज करते हैं यहाँ पे सॉल्युबल और दूसरा है हमारा इनसॉल्युबल। ठीक है, मतलब कि सॉल्युबल में क्या होगा, कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जिसको हम वाटर में घोल सकते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं पहला कि साल्ट ले लिया, साल्ट ले लिया, नमक, नमक क्या है, सॉल्युबल है, वाटर में इजिली मिक्स हो जाता है ना, यानी ऐसे मटेरियल जो वाटर में इजिली मिक्स हो जाते हैं, है ना, घुल जाते हैं वाटर में, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबल। ठीक है, और जो वाटर में नहीं मिलते, नहीं घुलते, उसको हम बोलते हैं इनसॉल्युबल। जैसे कि इसकी मैं बात करूं सैंड की, सैंड का मतलब क्या होता है, रेत, मिट्टी। ठीक है, अगर मैं उसको वाटर के अंदर मिक्स करूं तो कुछ देर के लिए तो घूमेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, यानी वो सॉल्युबल नहीं होगा आपके वाटर में, है ना, उसको हम बोलते हैं इनसॉल्युबल। ठीक है, यानी ऐसे मटेरियल जो वाटर के अंदर घुल जाए। ठीक है, जैसे मैंने कोई कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर वाटर लिया, अगर मैं इसमें सॉल्ट डालूं तो वो इजिली घुल जाएगा इसमें, है ना। अगर इसी की जगह मैंने मिट्टी ले ली, मिट्टी घुल गया, कुछ देर तक घूमेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, ये नीचे जाके जम जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सॉल्युबल नहीं है, है ना। तो इसी की जगह मैं दूसरा पॉइंट शुगर लिख सकता हूँ, शुगर क्या होती है आपकी चीनी, वो भी घुल जाती है, और इसी की जगह मैं सॉइल ले देता हूँ, सॉइल मतलब मिट्टी, वो भी नहीं घुलती। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जो वाटर में घुल जाए उसको सॉल्युबल कहते हैं, जो वाटर का नाम भूले वो सॉल्युबल। ठीक है, चल आगे जाओ, ये भी हो गया। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड सिंक, यानी ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड सिंक। फ्लोट एंड सिंक का मतलब क्या होता है, देखो जो फ्लोट वाले मटेरियल होते हैं, ठीक है, और जो सिंक वाले मटेरियल होते हैं। फ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्लोट का मतलब ये है कि ऐसे मटेरियल जो पानी के ऊपर तैरते हो, है ना, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, ये क्या करती है, पानी के ऊपर तैरती हुई चलती है, तो ऐसे मटेरियल जो पानी पे तैर सकती है उसको हम बोलते हैं फ्लोट, और जो पानी के अंदर डूब जाती है उसको बोलते हैं हम सिंक। ठीक है, जैसे कि मैं बूंद की बात करूँ, लकड़ी, तो लकड़ी क्या करेगी, वाटर में फ्लोट करेगी, यानी तैरेगी। अगर मैं इसमें आयरन की बात करूँ, कोई लोहे वाली मटेरियल डाल दी मैंने, तो क्या हो जाएगा, पानी में डूब जाएगी, है ना, लेकिन बूंद पानी में नहीं डूबेगी। ऐसी मैंने दूसरा लिया प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्या करेगा, फ्लोट करेगा, फ्लोट का मतलब क्या है, तैरना, है ना। सिंक का मतलब क्या है, डूबना। ठीक है, और इसी की जगह मैंने अगर यहाँ पे हार्ड मटेरियल कोई ले लिया, जैसे कि स्टोन ले लिया, पत्थर, पत्थर पानी पे डाला, पत्थर तो डूब जाएगा, है ना, यानी कि वो सिंक कर जाएगा। सिंक मतलब डूबना, फ्लोट मतलब तैरना। ठीक, चल अभी चलते हैं, उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका कोई शीशा है, ठीक है, और ये शीशा ऐसा है कि अगर इसको मैं यहाँ से देखूं तो वो आर पार दिखाई, यानी कोई एक ऐसा शीशा जिसके आर पार दिखाई दे सके, है ना, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके आर पार आराम इजीली दिखाई दे सके, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, दूसरा क्या है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब उस ऑब्जेक्ट के आर पार तो दिख रहा है ना, इस ऑब्जेक्ट के आर पार दिख रहा है, लेकिन कैसा दिख रहा है, ब्लर टाइप का दिख रहा है। ब्लर टाइप का मतलब थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है ना, पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा, धुंधला दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी में क्या होता था, बिल्कुल इजिली दिखाई देता था, लेकिन ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, आपका ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, चलो ये जो हमारे टॉपिक्स थे क्लियर हो गए, सारे हमारे लेसन नंबर 4 से रिलेटेड थे, सिक्स क्लास से। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक कंप्लीट।